सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू ट्राई दे बैक. सो हम क्या कर रहे थे यार, हम एरेज के क्वेश्चन कर रहे थे कुछ, ठीक है, एरेज के या फिर जावा के कोडिंग क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है. सो प्लेलिस्ट काफ़ी आगे बढ़ चुकी है. सो आज का हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ स्ट्रिंग्स. ओके, सो सम ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होता है यार, हम कैसे दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं? आपसे कंकैटिनेशन करने के लिए नहीं बोल रहा है पर्सन, ठीक है. सपोज़ करो लाइक, चलो एक मिनट, स्ट्रिंग भी चलते हैं, ठीक है. तो सपोज़ करो यहाँ पे क्या पास एक आपके पास S1 है, स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है 500, ठीक है. सेम ऐसी एक S2 है, S2 में आपके पास लिखा हुआ है, ये मैं डबल कोट लगा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 100. अब यूज़र को क्या चाहिए पता है, इंटरव्यूअर को, इनका आउटपुट, वो कैसे है, S1 प्लस S2, ठीक है. अब इसका आउटपुट चाहिए, इसका आउटपुट अगर जैसे हम देखें तो अभी क्या आना चाहिए, 600, ठीक है, और 600 भी उसको स्ट्रिंग में चाहिए. अब ये काम करना है कैसे होगा, ठीक है, क्योंकि देखो यार, आप 500 सिक्स 500 और 100 प्रिंट करने जाओगे, आई मीन सम करने जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका 500 एंड 100, इस तरीके का कुछ आउटपुट दे देगा, वो हमें चाहिए नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे रोल आएगा टाइप कास्टिंग का. चलो टाइप कास्टिंग भी सीख लेते हैं आज. तो चलो एक प्रोग्राम लिख देते हैं यहाँ पे, S1 सेम इनपुट, स्ट्रिंग दूसरी भी ले लेते हैं 100, ठीक है. अब मुझे इसको करना है प्रिंट, तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा इसकी टाइप कास्टिंग, ठीक है. टाइप कास्टिंग जैसे मैं कल काम करता हूँ, एक सम नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ, यही टाइप कास्ट कर देता हूँ, इंटीजर डॉट पार्स इंट, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है. S1 प्लस, क्योंकि हमें ऐड करना है, इंटीजर डॉट पार्स इंट अगेन, जिसमें हम लिखेंगे S2, ठीक है. अब क्या होगा, हमारे पास जो सम है ना, हमारे पास सम में वैल्यू आ गई, तो मैं इसको एस आउट करा देता हूँ, सिंपल सम. ओके, तो मैंने इसको एस आउट कराया, क्या आना चाहिए, 600, राइट, ये आपको आउटपुट दिख रहा होगा 600. सो अब यूज़र, आप तो फंस गए यहाँ पे, क्योंकि आपको 600 तो इंटीजर में मिल रहा है, डिवाइडेबल है 100 से, है ना. यूज़र कह रहा भाई मुझे स्ट्रिंग में ही चाहिए, तो जैसे टाइप कास्टिंग पार्स इंट हो रहा था इंटीजर से, तो सेम यहाँ पे हम सिस्टम सॉरी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यानी यहाँ पार से स्ट्रिंग नहीं होगा, वैल्यू ऑफ, ठीक है. हम इसको प्रिंट कराएंगे, जैसे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ये देखो ये स्ट्रिंग में ही है, पता नहीं चल रहा है, नो, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप कुछ कोट वोट लगा दो तो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है. तो यही सिंपल था टाइप कास्टिंग का. अब यार देखो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे 500 नहीं है, सपोज ये काना नाम डाल दिया मैंने, अब मैं इसको कर रहा हूँ, तो क्या होगा पता है, धाएँ एक्सेप्शन थ्रेड, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन. ओके, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन से बचने के लिए या किसी भी एक्सेप्शन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई, और ट्राई के बाद क्या यूज़ करते हैं, कैच, ठीक है. यहाँ हम एक्सेप्शन ई प्रिंट करा लेंगे, एक्सेप्शन आई है, एंड यहाँ पे एस आउट दे देंगे ई डॉट लोकल मैसेज, ठीक है. अगर मैं ऐसा करता हूँ, सॉरी इस कोविड को भी इसके अंदर डालना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा फिर, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरे को एक्सेप्शन नहीं आएगी, मेरा प्रोग्राम एरर नहीं होगा, बट फॉर इनपुट स्ट्रिंग कान्हा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे दिया मैंने लोकल मैसेज में. यहाँ मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ इसको अपने हिसाब से, एक्सेप्शन या रॉन्ग इनपुट इस टाइप से. ओके, तो अगर ट्राई कैच आपको डिटेल में पढ़ना है, या ट्राई कैच नेस्टेड ट्राई कैच डिटेल में पढ़ना है, तो आप यहाँ पे, यार ये लेक्चर्स हैं, ठीक है, ये चैनल पे ही हैं, जीरो टू हीरो, सारे कोर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है. सो ये कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके बताना यार, कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके बताना, प्रॉब्लम ही बता देना, चलो वीडियो तो क्या ही बताओगे, ठीक है. एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एज ऑलवेज आई सेड.